जब ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स वसीम शुरू हुई है, हाउ गुड वॉज बुमराह एंड शामी राइट ऑन टॉप, बिकॉज अगर वो ठीक है वो बिल्कुल आई एग्री, वॉर्नर अगर वो आउट तो हो गया उसी ओवर में, वो जो कैच गया स्लिप में कोहली भाई के पांव के पास, बिल्कुल जब आप थोड़े वाइड खड़े होते हो फर्स्ट स्लिप और सेकंड स्लिप, तो इसलिए मुझे एज अ बॉलर आई नेवर लाइक द गैप, आई ऑलवेज वांटेड कि स्लिप में खड़ी हो जाए, स्लिप हो के उधर से निकल जाए, दरमियान से ना निकले, सो ये गैप ज्यादा था, तो गैप ज्यादा उसी में जैसे हम उस दिन भी बात कर रहे, जब इतना लो बाउंस पिच होता तो आपको थोड़ा सा एक एक आधा फिट आगे खड़ा होना चाहिए ताकि कैरी करे, एटलीस्ट आप ट्राई कर सके, ये कीपर के साथ नहीं खड़े होते मोइन जी, सेकंड स्लिप आप अब बाद में सही हुई भी थी, लेकिन जिस वक्त वो कैच किया उस वक्त गैप बहुत बड़ा गैप था, वो बॉलर बहुत बड़ा है नो डाउट, नया बॉल क्या खबे को उसने पहला बॉल बाहर निकाला है, एक्चुअली ट्रेविस हेड को भी मुसलसल मुसीबत में जब तक नया गेंद मूव हो रहा था, ट्रेविस हेड लुक क्लूलेस व्हाट टू डू विद हिम, राउंड द विकेट जाके जो उसने वाइड ऑफ द क्रीज बाहर निकाले हैं, इनक्रेडिबल, सॉरी शामी की बात कर रहा हूं, इवन बुमराह वाज गिविंग देम अ लॉट ऑफ ट्रबल, बट देखें ऑफ द स्क्रिप्ट गए आज ये, इंडिया ने नया गेंद सिराज को नहीं कराया, ऑल्दो शमी को विकेट मिल गई शुरू में, बट उससे दो वाइड बॉल हुए जो पांच पंजे हुए हैं, एक चौका हुआ और एक पंजा हुआ है, आई थिंक दैट वाज द डिफरेंस टुडे, इंडिया नॉर्मली हो क्या रहा था कि बुमराह ऊपर से अगर चार या पांच ओवर कर रहे थे तो उनकी इकोनॉमी 2.5 इससे ज्यादा नहीं थी, और ही वाज और बाउंड्री लग ही नहीं रही थी उनको, इसमें पहले ही ओवर में एक तो लकी बाउंड्री चली गई स्लिप में और एक कवर में चौका मार दिया उन्होंने, तो वो जो अर्ली ऑन जो दो ओवरों में 30 हुआ है ना, एकदम जब 240 का टारगेट हो और उसमें से चार ओवरों में 40 माइनस हो जाए तो ये प्रेशर उसको पकड़ते पकड़ते देर लगती है, थोड़ा सा डिसिप्लिन जो है वहाँ पे ऑफ हुआ और ऐसे लगा है कि जैसे थोड़ा सा वो स्कोर की वजह से बॉलर्स प्रेशर फील कर रहे हैं कि हमने विकेट्स लेनी है, उसके लिए ट्राई बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई कर रहे थे, बिल्कुल। एक और चीज़ भी हो गई थी वो ये थी कि अगर आप देखें थ्रू आउट द वर्ल्ड कप इंडियन बैटर्स जो थे कोई ना कोई 100 बना रहा था right. लेकिन अगर आज आप देखें तो कुलदीप यादव और जडेजा जो है वो विकेट लेस गए हैं दोनों के, तो ये भी एक एलिमेंट आ जाता है उसमें कि वो चाहे 240 आप चेस कर रहे हो right. जैसे तीन आउट हो गए थे तो उसके बाद अगर इनमें से भी कोई ये दो एक विकेट ले जाता या एक ले जाता, तीन विकेट्स इन दोनों के बीच में से भी अगर आ जाती तो ये मैच जो था 240 पे भी बहुत बड़ा जो था, हमने पहले बैटिंग करनी है सेकंड इनिंग में टर्न होगा बहुत, आज वो टर्न भी नहीं था ना, बट जब कुछ बॉलें हुई हैं देखी है मैंने थोड़ी बहुत हुई है, जो पिच हमने देखी थी उससे ऐसा लग रहा था कि स्पेस पे बहुत होगा स्पिन, पता है क्या होता है मोइन भाई, पिच जो था वो बहुत ड्राई नजर जरूर आया, लेकिन ड्राई पिच पे ठीक है स्पिन होता है, लेकिन जैसे ही उस पर जैसे 50 ओवर्स गिरे ऑस्ट्रेलिया ने बॉलर ने बॉल की तो वो ड्राई पिच क्या होता है वो स्लो और हो जाता है, बॉल स्पिन ज़रूर होता है लेकिन वो बैक फुट पे मैनेज हो जाता है, बैट्समैन जो है उसे मैनेज कर लेता है बैक फुट पे जाके, जो हम लोगों ने देखा जो मानस लभूषण को शमसी जब बॉलिंग कर रहा था तो वो तंग हो रहा था, वो इसलिए हो रहा था कि उस पिच पे बॉल स्लो नहीं आ रहा था, शार्प टर्न हो रहा था इसलिए उनको समझ नहीं आ रही थी, आज जो था हमें जो सॉरी ऑस्ट्रेलिया ने जो बॉलिंग की है आज, अब ऑब्वियसली दे मस्ट हैव प्लान्ड अगेंस्ट एवरी बैटर कि ये सिचुएशन में हमने यहाँ यहाँ फील्ड रखनी है, दे ऑफिशियली दे स्कोर स्टॉप्ड 25 रन्स, 25 रन अगर ऐड कर दोगे इसमें 40 में तो 265-70 स्कोर हो जाता है, एंड दैट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर इन द फाइनल, सो आई मीन वो मुझे कमेंट्री में भी ऑन एयर भी ये कह रहे थे कि जहां गेंद जाता है आगे फील्ड लगता है 28 फील्डर फील्ड ही कर रहे हैं, दैट्स व्हाई फील्डिंग इज सो इंपॉर्टेंट, ऑल दीज यंगस्टर्स वांट टू प्ले फॉर योर कंट्री स्पेशली इन पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश श्रीलंका और वर्ल्ड क्रिकेटिंग प्लेइंग कंट्रीज द फील्डिंग I've been saying it from last 20 to 30 years, बैटिंग में टैलेंट चाहिए बॉलिंग में टैलेंट चाहिए फील्डिंग सिर्फ फिटनेस से और मेहनत से आती है।